संबंध भेजेंगे। आज वो इतने उपस्थित सी अपने कुछ नाल कुलिक्स को लेके आए हुए सन ते वाइफ उन्हों की आई नहीं जी कि मेरी शुगर बदी हुई है। सुनिया उन्हों का यह कहना सी कि उन्हों की सिस्टर इन लॉ साली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उन्होंने लाइफ में, बहुत टाइम तो सफर कर रहे हैं और रो पिया, मैं बहुत दुख लगा है। कल तुम संबंध भेजेंगे, अज वो इतने उपस्थित सी अपने कुछ नाल कुलिक्स को लेके आए हुए सन ते वाइफ उन्हों की आई नहीं जी कि मेरी शुगर बदी हुई है। विमेन कमीशन का यह मतलब नहीं है कि जे औरत गलत है ते अपा औरत नू ही सपोर्ट करांगे, जे जेंट सही है ते मेरी कमीशन जब तक इस देश मैन कमीशन में बनेगा मैं अपने पंजाब दे मुंडिया नू ही सपोर्ट कर दी रहांगी जे वो सही नेते। अपनी कोई स्टेटमेंट कंप्लेंट पुलिस नू नहीं दित्ती, जे तुसी सोशल मीडिया ते एना मीडिया नू एक अपनी फैमिली लाइफ नू पर्सनल लाइफ नू बच्चे नू जवान बच्चे ने उस चीज नू लेके बाहर आ रहे हो ते तुसी कंप्लेंट ते एटलीस्ट एक पुलिस नू कोई लिखित च कंप्लेंट तो दो, जे तुहानू लग रहा तुहाडे नाल जाती हुई है फिर उस तो बाद कमीशन बुला रहे हैं तुहानू तुसी तुहाडे कोल कल तुहानू संबंध भेजेंगे। अज वो इत्थे उपस्थित सी अपने कुछ नाल कुलिक्स नू लेके आए हुए सन ते वाइफ उन्हां दी आई नहीं जी कि मेरी शुगर बदी हुई है ते खैर आपां जिहड़े आईओ सी उन्दी क्लास लगाइए कि जे शुगर बदी हुई सी तुसी बाहर ते बहुत चौधरी बन जांदे हो, वही तई फेर दंदे हो आम बंदियां दी रिपोर्ट डॉक्टर नू बुलांदे उन्दी शुगर टेस्ट करवांदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जे एक साली दा इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने अपनी वाइफ दे बारे च ज्यादा कुछ जो सोशल मीडिया ते देखने चाह रहा है एक प्रोमिनेंट बंदे दी लाइफ नू लेके। और मैं इस चीज नू समझदी हां कि जदो एक तुसी पब्लिक फिगर बन जांदे हो तुसी एक तुहाडे पिछे एक संघर्ष भी छुपिया हुंदा उस बंदे दा, और पर्सनल लाइफ विच जदो ए चीजां परिवारिक मैंबर्स बड़ा पर्सनल हुंदा है, ब्याह दे विच एक वाइफ ते सिर्फ बच्चे, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲੀਆਂ ਸਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ते मेरी कमीशन जब तक इस देश मैन कमीशन में बनेगा मैं अपने पंजाब दे मुंडिया नू भी सपोर्ट कर दी रहांगी जे ओ सही नेते। ते इस करके अपा पार्शल बिल्कुल नहीं होवांगे इस मामले च। आज एसीपी क्राइम जलंधर नू इंस्ट्रक्शंस दे दितियां जानगियां हुने कि वाइफ ते बच्चियां नू इमीडिएटली एसडीएम दी ड्यूटी लगाई जाएगी काउंसलिंग वास्ते। एक उन्हां दी एक डिमांड सी कि साडी प्राइवेसी नू मैडम तुसी ऑर्डर करो बरकरार रखिया जाए, ते सारी मीडिया नू भी दरखास्त है कि ऐ एक कमीशन वलो तुहानू भी एक रिक्वेस्ट भी कीती जांदी है, आपा हिदायत भी दांगे कि एक प्रोमिनेंट बंदा अपनी प्राई कुछ चैनल बहुत ज्यादा रोज उनकी बच्ची का चेहरा ढके बिना एक जवान बच्ची का वर्जन दिखा रहे ने, उन्हें उनके उत्ते बड़ा कड़ा एतराज जताया जो बीइंग है उनके फादर सानू बिल्कुल, और कमीशन भी इस चीज नु सपोर्ट करता है कि इस तरह नहीं होना चाहिदा। तो मीडिया नु भी थोड़ी जी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिदा, जे कुछ चैनल एक इस फैमिली का एक सच सामने लेके आ रहे ने पर धड़िया नु सुनन जरूर और बच्चियां नु देखदे हुए एक प्राइवेसी नु भी बरकरार रखन। उम्मीद करदी हां
कि इस परिवार दी जड़ी भी थोड़ी बहुत खटपटे उन्हों कमीशन समेट लेगा, सहयोग करांगे। इंस्ट्रक्शंस दे दितियां जारिया ने कि एना दोहा परिवारां नू, क्योंकि लिखित ते पुलिस कोल भी हाले कोई कंप्लेंट नहीं है, ते कमीशन पूरी कोशिश करेगा कि इस मसले नू सुलझावे। मैम इस भी गल जिस तरह तुसीं मीडिया दी गल कीती है जी, मीडिया दिखा रहा ते कमीशन ते भी गल आउंदी है कि जिहड़े इदां दे हाई प्रोफाइल केस हुंदे ने सिर्फ उहदे ते ही सू मोटो लिया जांदा, बाकी केसां ते क्यों नहीं लिया? ए ते तुहाडा कहना है ना कि सू मोटो पता आपां किस करके लैंदे आ कुछ लोकां ते, सिर्फ क्योंकि साडे समाज विच अज भी 30-40% फैमिलियां दी लेडीज एदां दी हैगियां ने, हाई प्रोफाइल ले लो, मिडिल क्लास ले लो, लोअर मिडिल क्लास ले लो, जड़ी समाज दे डर तो सामने ही नहीं आना चाहदिया, अपना दर्द ही नहीं छुपाना चाहदिया। सिर्फ इन्हां लोकां दे तुसीं जे आपां इन्हां लोकां दे मैटर भी ना चुकीए ते कौन हल्लाशेरी देगा, कौन वुमेन कम्युनिटी नूं सपोर्ट करेगा? तुहाडा मीडिया दा भी फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा। जे कमीशन सू मोटो लैंदा ते मीडिया क्या ही दिखांदा, तुसीं आम आदमी दा तां दिखांदे नहीं, बहुत घट ही रहे, तुहाडी नजरां तों भी आंदे होणगे, तुहाडी पकड़ विच नहीं आ सकते। पूरे पंजाब दे मैटर हर फैमिली च 10-4, 7-6-7 फैमिलियां सफर कर रहियां ने इस टाइम कोविड दी सिचुएशन नाल, ते जरूरी नहीं है सारे मैटर मीडिया दी नजर विच वी आ। इस लई लैके आंदे हो तुसीं कि लोकां नूं हल्लाशेरी भी मिले और समाज नूं एक पिक्चर भी दिखा, ते मीडिया दा बहुत वड्डा योगदान है इस चीजां च। जे मीडिया इहो जिहे मसलियां नूं लैके भी आंदा है, पर किते ना किते सारे अज परफेक्शन नहीं हुंदी। जिहड़ा मेरा कंसर्न सिर्फ एक जवान बच्ची नूं लैके सी कि उहदा चेहरा मीडिया जे वर्जन लै रहे हो तुसीं दिखाना चाहुंदे हो, उहदा बच्ची दा चेहरा डुब गया सी। मैम किते ना किते गल सुनन दे विच आ रही है कि सारा प्रॉपर्टी नूं लैके हो रहा मसला, कहना सी उहदा कहना सी कि जिहड़ा साली पहले उहदा जिहड़ा ब्रदर इन लॉ है, हस्बैंड है, दिल्ली रहिंदा सी, कुछ प्रॉपर कोठी नु किराए नु लेके पैसे नु लेके, नाले उनका एक होर कंसर्न सी जो मैंने एक बड़ा वाजिब लगा कि मेरे मैडम जवान बच्चे हो गए ने, मैं लाइफ विच बड़ा स्ट्रगल किता ते मैं अपने बच्चियां नु एक अच्छी एजुकेशन देन पिछे, जो एक पेरेंट्स दा इंडियन साडे पेरेंट्स दा एक कंसर्न हुंदा है कि अप्पा खादा घट होए, सानू वो चीज ना मिली होए पर आप अपने बच्चियां नु अच्छी लाइफ दे सकिए। वो कहंदा है कि सारा दिन बच्चे फोन ते गेमां खेलदे रहंदे लगे रहंदे, ते मैं टोकदा सा ते मदर दा मासी दा बहुत इंटरफेरेंस सी ओ चीज नु लेके साडे आपस विच। वो कह रहे कि सामने वाली कोठी नु लेके विवाद है जिथे वो रहंदे सी उहनां दे। वो कहंदा है कि कोठी किराए ते देनी सी, मैं देखो कहंदा मेरी बहुत सारी चीजां वाइफ दे नाम ही ने, बच्चियां दे नाम ही ने, उहनां लई तां कर रहा वां, पर एक आदमी दा बैलेंस करना और वाइफ नु पुछना ते कोई एक कहंदे च गुनाह नहीं है। जलंधर नू हाले हुने इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दितियां जा रहियां ने कि इमीडिएटली एक ते वो अपने बच्चियां तो मिलन तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बच्चे आई थिंक 15-16 साल दी उन्हां दी बेटी है जो कि मैं सोशल मीडिया ते देखी, ते मिलवाया जाए बच्चियां नूं मिलन तो एक वाइफ ने कोई इन रिटर्न कंप्लेंट नहीं दित्ती। जे उन्हें कोई इश्यूज है कमीशन नूं लोकल पुलिस स्टेशन विच वुमेन सेल विच कंप्लेंट दी। कह रहे थे कि जलंधर दे विच उन्होंने उन्हां दे बच्चे ने स्टेटमेंट दित्ती है कि उन्होंने कुटमार नहीं कीती उन्होंने ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦਖਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਹੋਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਨ ਦੇ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। उम्मीद है आ जाएगी जल्दी रिपोर्ट, तुहानू सब तो पहला दित्ती जाएगी।